शहजाद रॉय और शनीरा अकरम की मुजरिमान को सरियाम पांसी की मुहालफत। मरूफ गुलुकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने ज्यादती केस में मुलविस मुलजिमान की सरियाम पांसी की मुहालफत कर दी। इन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैंने बच्चों को जिंसी इस्तेसाल से बचाने के लिए बहुत काम किया और मैं चाहता हूँ कि औरतों और छोटे बच्चों के साथ असमतदारी करने वाले वहशी दरिंदों को कानून की पूरी ताकत से सजा दी जाए। मैं ज्यादती केस में मुलविस मुलजिमान को अवामी तौर पर सरियाम पांसी देने के खिलाफ हूँ। शहजाद रॉय ने आवाम से सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे चौकों और चौराहों, सड़कों और बाजारों में लटकी लाशें देखे। जो लोग मुजरिमान की सरियाम पांसी का मुतालबा कर रही है, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि तशद्दुद ही तशद्दुद को जन्म देता है और इस पर हमारे पास बहुत से तहकीकाती रिपोर्ट भी मौजूद है। वसीम अकरम की अहलिया और समाजी कारकुन शनीरा अकरम का कहना है कि ज्यादती केस में मुलविस मुलजिमान को पांसी देना इन संगीन मसाइल का हल नहीं। ज्यादती की वाकियात में मुलविस मुलजिमान को सरियाम पांसी देना इन संगीन मसाइल से छुटकारा हासिल करने का रास्ता नहीं। अगर हम अपने मुल्क में एक महफूज और महज़ब मुआशरा चाहते हैं, तो हमें इस तारीकी दौर से निकलना होगा और इसके लिए हमें बहसियत कौम एक होकर सख्त मेहनत करने की जरूरत है। इस वक्त हमें अपनी माओ, बहनों, बेटियों और बच्चों के बेहतर तहफ्फुज़ का मुतालबा करने की जरूरत है। शनीरा अकरम ने अपनी ट्वीट में #violence doesn't solve violence भी इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि तशद्दुद से तशद्दुद हल नहीं होता। शनीरा अकरम के इस पैगाम पर कुछ ट्विटर सराफी ने हिमायत की तो कई सराफी ने शनीरा अकरम के पैगाम की मुहालफत भी कर दी। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ में बेल आइकन को दबाए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।